गाइस वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं चांदनी चौक बिकॉज हमारे घर में फिर से शादी आ गई है। यस, हमारे घर में शादियां बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो फिर हम लेने जा रहे हैं चुनरी जो कि हमारे भात में यूज होती है, और साथ ही साथ शादी के हम कपड़े लेने जा रहे हैं। तो हाँ, मतलब कपड़ों में सूट भी आते हैं और हमें पैंट शर्ट के भी गिफ्टिंग के लिए बेसिकली कपड़े लेने हैं। तो बहुत सारी शॉपिंग होने वाली है और हो सकता है टाइम मिला तो मैं अपने लिए ड्रेस भी देखने वाली हूँ। तो आज की वीडियो में मेरे साथ बने रहे, बहुत मज़ा आने वाला है। एंड तक वीडियो ज़रूर देखना, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो चलते हैं, बाय बाय। न्यू दिल्ली हम उतरे हैं यहाँ के एंड हम जा रहे हैं वॉशरूम पे बिकॉज इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। और मेट्रो स्टेशन पे जाने से पहले हम यहीं पे आते हैं, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन बोल रही हूँ, मेट्रो स्टेशन पे। ओके, यहाँ पे ज़्यादा सही रहता है, इसके बाद हम चांदनी चौक जाएंगे। ओके, हियर आई एम। क्योंकि हम मार्केट पे जाने से पहले चांदनी चौक आना, यार वॉशरूम बहुत बिजी भी रहता है और मन नहीं करता मतलब वहाँ जाने का बेसिकली, और पैसे भी लगते हैं। तो वहाँ मेरी हर बार लड़ाई होती है, उससे ज़्यादा सही है कि मैं यहाँ पे आ जाती हूँ। तो गाइस मुझे इस तरह के कमेंट्स आते हैं कि मैं मार्केट में कहाँ से एंट्री करती हूँ। तो बेसिकली गेट नंबर तो मेरे को याद नहीं है, लेकिन जो पार्क की साइड है ना, मैं वहाँ से एंट्री करती हूँ। तो यहाँ से एंट्री करने का मतलब सीधा जो हमारी मार्केट है ना, उसमें निकल लेते हैं। तो आप लोगों को पता ही है मार्केट का नाम, वैसे मैं भूल गई हूँ। तो आगे मतलब मेरे को ना वैसे पता है, माइंड में है कि यहाँ पे जाना है मेरे को। तो आपको नीचे स्क्रीन पे मिल जाएगा लिखा हुआ मार्केट का नाम, मैं जहाँ जहाँ जाऊँगी। वैसे अभी मैंने चुन्नी लेनी है हमें भात के लिए, तो उसके लिए चीरा करना मार्केट कुछ करके है। तो भैया आर से वो पूछूंगी, इस मार्केट में मैं आज तक नहीं गई हूँ। लेट्स एक्सप्लोर वो वाली मार्केट, अभी तक तो भाई ट्राई नहीं किया, लेकिन अब जाने का सोच रहे हैं। तो हम यहाँ से निकले, तो यहाँ पे आरवी ट्रेडर्स है। हाँ ना पापा, ये महंगी मार्केट है, इस साइड पे है, इस साइड पे है। तो यहाँ से आगे चल के हम भाई बंदर घूम रहे हैं। तो आगे से ना मम्मी रे बहुत सारे बंदर हैं यहाँ पे, जो मैं अभी कैमरा अपने रखती हूँ, कभी पता चले बंदर हमला बोल दे। तो यहाँ से बेसिकली एक गली है, झूलरी टाइप में कुछ है ऊपर चढ़ के, वहाँ से हम बाहर को कल्टी मारेंगे, बाहर को निकलेंगे, देन हमारी मेन मार्केट आ जाएगी। हमने एंट्री ली, देखो हमने यहाँ से हल्का सा मुड़े हैं, हम एस के ज्वेलर्स आ गया। ओके, यहाँ से ऊपर चढ़ना है बेसिकली आपको, और यहाँ से इस गली से जैसे ही आप, मैं दिखा देती हूँ, काफ़ी मतलब पतली सी गली है, ये स्टेयर्स यहाँ पे है एंड विजय ज्वेलर्स। छोटी छोटी लोकेशंस मैं मार्क करती जा रही हूँ यहाँ पे। ओके, तो हमने सामने देख लो, तो इधर आप देखोगे यार आपको थोड़ा डर्टी दिखेगा, ऑब्वियसली चांदनी चौक है, हर तरह के लोग आते हैं। यहाँ से बाहर निकलते ही आप मेन मार्केट में घुस जाओगे। आप चाहे तो नॉर्मली हम ये शॉर्टकट लेके आते हैं, आप कहीं और से भी आ सकते हो। यहाँ पे से निकलते ही ये देखो हम आ गए हैं मेन मार्केट में। दिस इज द मेन मार्केट, मेन चांदनी चौक में आपने एंट्री ले ली है जैसे ही। हाँ, छाबराज यहाँ पे है, ये देखो, ठीक है। अब हम जाएंगे इस साइड, छाबराज से आपको इस साइड जाना है, ठीक है। ओके, इधर ज्वेलरी जो मैं बता रही थी ना आपको, ब्राइडल ज्वेलरी बहुत सुंदर सुंदर मिल जाएगी, बहुत सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे से डिज़ाइन आपको मिल जाएंगे। तो 200 रुपये से बैंगल स्टार्ट हैं भाई, बहुत प्यारी प्यारी ज्वेलरीज हैं यहाँ पे। हमारे घर वाले बंदे खो गए, पता नहीं कहाँ गए। तो चलते चलते अब हम कंफ्यूज हो गए थे कि हमें कौन सी मार्केट जाना चाहिए, नई सड़क की तरफ हो लिए, लेकिन थे दिमाग में बहुत सारे डाउट्स कि यार नई सड़क से तो हमें लहंगे वहंगे तो की तो शॉपिंग करनी नहीं है, सूट्स वगैरह खरीदने, तो चलो थोड़ा सा मार्केट ही दिखा देती हूँ। फिर इसके बाद मैं चीना कतरा कुछ करके मार्केट था, तो मैं यहाँ पर आ गई इस मार्केट में। ये बेसिकली दुपट्टा चुंदड़ी वगैरह होती है ना, कॉटन की वायल्स, उसकी मार्केट है। लेकिन मेरे को इतनी खास लगी नहीं, क्योंकि अगर आपको बंचेस के बंचेस लेने हैं, बंडल्स लेने हैं, तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। लेकिन अगर वहीं आपको कुछ पीसेस लेने हैं, लाइक मुझे 24 पीसेस लेने थे, तो उसके लिए ना यार इनके नाक मुँह बहुत चढ़ रहे थे और रेट ये कोई ढंग का लगा नहीं रहे थे। तो इस चीज़ से मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ कि यार जब इतनी अच्छी मार्केट है ना, थोड़ा इन्हें
हर बंदे के हिसाब से डिस्काउंट देना चाहिए। पूरा मैंने एक्सप्लोर किया, एक चुन्नी मुझे पसंद आई थी, उसका रेट इन्होंने भाई एक चुन्नी का ही रेट 800 रुपये बोला था। ये वाले जो दुपट्टा है इसकी बात मैं कर रही हूँ, फुलकारी वाला दुपट्टा, तो मैंने कहा 800 रुपये के अगर मुझे 24 दुपट्टे लेने हैं तो मेरे लिए तो बिल्कुल भी वर्थ नहीं है चांदनी चौक मार्केट में आके भी। पर थे दुपट्टे इन पे काफ़ी प्यारे प्यारे, तो फिर मैंने थोड़ी सी और मार्केट एक्सप्लोर की, लेकिन भाई मेरे दिमाग में नहीं घुसी। फिर मैं आ गई कटरा नील मार्केट। कटरा नील से मैं ज़्यादातर अपने सूट्स की शॉपिंग करती हूँ। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं आप लोगों की तरफ से कि दी आप कहाँ से शॉपिंग करते हो, ये ड्रेस आपने कहाँ से लिया है, कहाँ से बनवाया है, ऑल दैट। तो भाई मैं सारे सूट्स अपने लेती हूँ कटरा नील चांदनी चौक से। फिर उसके बाद एक और शॉप पर मैं घुसी, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया क्योंकि वहाँ पर मैं सूट्स वगैरह देख रही थी, प्राइस थे उसके बहुत ज़्यादा हाई, और जिस हिसाब से मुझे सूट लेने थे ना, करीबन हमने 48 सूट्स लिए थे, तो उसके हिसाब से वो हमारे बजट में बिल्कुल भी फिट नहीं बैठ रहे थे। देन इसके बाद मैं यहाँ पे साहिल फैब्रिक्स पे गई, इनका एक गोदाम भी हम जानते हैं और ये इनकी शॉप है, तो बेसिक तो यहाँ से ना मैं ज़्यादातर अपने सूट्स की शॉपिंग करती हूँ। तो इस तरीके से कंफर्टेबल हो गया, आगे मैं बैठ गई अंदर, देन नितिन यहाँ पे मेरा शूट कर रहा था। फाइनली हमने जल्दी से शॉपिंग की और 18-19 सूट हमारे यहाँ पे पैक हो गए थे। दो आप ये बंडल्स देख रहे हो जो पैकेट पैक रखे हैं, वो भी हमारा ही था। शॉपिंग का हम ये सोच रहे थे यार कपड़े इतने ज़्यादा हो गए, हम इनको लेके कैसे जाएंगे, क्योंकि जैसे कंफर्टेबल हो गए हम आए थे ना भाई, बहुत दिक्कत होने वाली थी। वैसे हम बंदे बंदे लेके आए थे, लेकिन यहाँ दिक्कत क्या हो गई, मेरा ना रेड कलर का सूट तो रह ही गया। मेरा काफ़ी टाइम से मन कर रहा था, यहाँ पे भैया हिसाब करने में लगे हुए हैं, तो मेरा काफ़ी टाइम से मन कर रहा था एक रेड कलर का सूट लेने में, जो कि मुझे मिल नहीं पा रहा है कहीं पर भी। तो आपके पास किसी इंस्टाग्राम वगैरह का भी लिंक है या कोई इंस्टा यू नो चैनल मेरा ये ब्लॉग देख रहा है तो मुझे कॉमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताना। आई वॉन्ट अ रेड कलर का सूट, बहुत ही सुंदर सा। तो यहाँ से फाइनली ये सारी शॉपिंग हमारी हो गई, लेकिन जाते जाते मैंने एक सूट और खुलवा डाला। और गाइस मैं आपको बताऊं, करंट में ये सूट मैं सिलवा चुकी हूँ, तो वेरी वेरी सून मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी मेरे सूट का कलेक्शन, लाइक जो जो मैंने स्टिच करा लिए हैं वो चीज़ें मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। ऑफ कोर्स ये वीडियो थोड़े टाइम पहले की है, थोड़ा सा पुराना हो चुका है और मुझे पसंद आ गया है ये सूट, तो इसमें मैंने सेम कलर लिया है अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम पर देखा हो तो। कोई और कलर देख ले, कलर अच्छा नहीं है। तो गाइस यहाँ से हमने लिए हैं, पूजा के लिए ड्रेस ले ली, फाइनल हो गई। मुझे वो पर्पल वाला बहुत पसंद आ रहा था, नितिन को वो पसंद नहीं आया, दैट्स द रीजन मैंने नहीं लिया। यहाँ से हम लोग खा रहे हैं अमरूद, वो के इधर रिपोर्टर आ रखी थी तो लोगों ने भीड़ मचा दी। ओके गाइस फाइनली हम थक हार के आ गए हैं मेट्रो स्टेशन पे, और ये देखो उल्टा सालर भी नहीं बिसल रहा है। तो इस फ्लोर पे तो है, शायद ये ऊपर है। अरे यार, तो हमारा सामान कुछ कैसा हो गया, ये देखो सब बैग बैग लेके जा रहे हैं, पीछे भी एक बैग वाली एक मेरे पास भी है। ओके थक गए हैं, मैं सीधा घर जाके मिलती हूँ आपसे।